सोलन में चिट्टे का काला कारोबार लगातार अपने पैर पसार रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर युवा ही पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए युवाओं से खुलासा हुआ है कि वह रातों रात अमीर होने और शानो शौकत की जिंदगी जीने के चक्कर में इस काले धंधे में फंस रहे हैं। इस बार पुलिस के हाथ एक ऐसा ही युवक लगा है जो कि इसी चक्कर में युवाओं को चिट्टे की सप्लाई किया करता था। पेशे से ये युवक निजी कार कंपनी में कार्यरत था, लेकिन इस युवक के पास लग्जरी गाड़ी और शानो शौकत का सारा सामान मौजूद है। एएसपी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी टीम को जैसे ही युवक के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत घर पर रेड की, तो वहां पर 11.45 ग्राम चिट्टा, कुछ फॉइल पेपर और कुछ सिरिंज भी बरामद किए। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक हमीरपुर जिला का रहने वाला है और ये एक निजी कंपनी में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। करता है इस पे एक रेडिंग पार्टी बना के जब इसके क्वार्टर को रेड किया गया तो वहाँ पे 11.45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई और इसके अलावा कुछ अनयूज्ड फाइल पेपर, सिरिंजेस ये भी वहाँ से रिकवर हुई हैं। इस पे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस लड़के को अरेस्ट कर लिया है। ये हमीरपुर का रहने वाला है। बेसिकली फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। चुनावी बेला में जहां एक और सोलन के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, बाहरी राज्यों से भी सोलन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टुकड़ियां बुलाई गई हैं। ऐसे में मोहन पार्क के पास स्थित मंदिर में चोरी होना सोलन की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि ये मंदिर शहरवासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन इस चोरी से सभी की आस्था को भारी चोट पहुंची है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह सोलन में गश्त को बढ़ाएं ताकि शहर में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। जानकारी देते हुए बाबा बालकनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि वह रात को पूजा करने के बाद मंदिर के दरवाजों पर ताला लगाकर चले गए थे, लेकिन जब वह सुबह मंदिर में आए तो देखा कि मंदिर के ताले टूटे पड़े हैं और मंदिर से कीमती आभूषण और नकदी गायब है। उन्होंने बताया कि चोर अपने साथ दान पात्र भी ले गए हैं। उन्होंने रोष जाहिर करते हुए बताया कि सोलन के मंदिर हमेशा चोरों के निशाने पर रहे हैं। इनको तभी रोका जा सकता है जब शहर में नाकेबंदी ज्यादा हो और पुलिस गश्त पर रहे। मैं यहाँ मोहन पार्क के नजदीक सिद्ध बाबा बालनाथ मंदिर के मंदिर में पुजारी हूँ। कल शाम को मैं यहाँ पे 8 बजे मंदिर बंद करके गया और जब सुबह मैं 5:45 बजे मंदिर खोलने आया तो मैंने देखा कि यहाँ सारे ताले टूटे पड़े हैं। मेन गेट का भी ताला टूटा है और बाबा बालनाथ मंदिर का जो गेट है उसका ताला टूटा है और जो यहाँ दान पात्र है उसका भी ताला टूटा हुआ था और इसमें थोड़ी बहुत नकदी थी जो 500-600 रुपया वो भी ले गए चोर यहाँ मंदिर में। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने करीब 1 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के कांग्रेस के वोट कटवा बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस के पहले ही पतन में जाने का दावा करते हुए वोट कटवा बनने के लिए क्यों मेहनत किए जाने की बात कही। उन्होंने राजीव गांधी की 400 से राहुल गांधी की 44 सीट पर कांग्रेस के सिमटने को वोट कटवा होने का कारण बताते हुए प्रियंका के बहाने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी के देशद्रोहियों के साथ होने का दावा करते हुए कांग्रेस के पहले ही देश के विभाजन की बात करने वालों के साथ होने की बात कही। अनुराग ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों पर हमले और अजहर मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के बाद भी विपक्ष के सवालों पर सवालिया लहजे में ही विपक्ष से भारत या उसके दुश्मनों में से एक के साथ खड़े होने का निर्णय लेने को कहा। आपको बता दें कि सियासी जंग आधे से अधिक का सफर तय कर चुकी है और
निर्णायक होने से पहले इसमें जुबानी तर्कश से नुकीले तीर बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, जिसमें पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वोट कटवा पार्टी होने की बात कहकर दूसरों को हमला करने का मौका दे दिया था। सो बीजेपी कैसे इस मौके को हाथ से जाने देते। खैर, अब बारी थी बीजेपी के सियासी तीरों की, जिसका एक तीर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने भी छोड़ा। उन्होंने प्रियंका गांधी के कांग्रेस के वोट कटवा वाले बयान पर तीखा कटाक्ष किया। अनुराग ने तंज कसते हुए कहा कि राजीव गांधी के समय में 400 से लेकर राहुल गांधी के समय में 44 तक सिमटी कांग्रेस पहले क्यों वोट कटवा बनने के लिए भी मेहनत कर रही है। उन्होंने इसके हवाले से कांग्रेस के पहले से ही पतन में जाने का दावा किया। पूर्व पीसीसीआई अध्यक्ष ने राहुल गांधी के देश का विभाजन की बातें करने वालों और प्रियंका के वोट कटवाओं के साथ खड़े होने की बात कही।